आप सोच रहे होंगे कि मैं कहां छोटे से गैराज में खड़ा हुआ हूं, मैं आज इस समय बेंगलुरु में हूं। दो ऐसे लोगों से आपको मिलवाऊंगा जिन्होंने कमाल कर दिया देश में। हाँ, ये गाड़ी आप देख रहे हैं छोटी सी, ये गैरेज के अंदर खड़ी हुई है। इन्होंने जो गाड़ी बनाई है, ये ऐसी गाड़ी बना दी है जो पानी से चलती है, पेट्रोल से नहीं, डीजल से नहीं, सीएनजी से नहीं, एलपीजी से नहीं, हवा और पानी से गाड़ी चल रही है। हाँ, थोड़ा एल्यूमिनियम साथ में डाला, हवा पानी, ऐसी गाड़ी बना दी, पोल्यूशन की समस्या खत्म। सबसे पहले अक्षय मैं आपको बुला रहा हूं। अक्षय सहारनपुर से है, बैंगलोर में आके सेटल हो गया है, और अक्षय के बाद कार्तिक, कार्तिक आप भी आइए। कार्तिक आते हैं मेरठ से, और ये दोनों यूपी के यंग बॉयज, ये दोनों देखने में छोटे बच्चे लग रहे हैं लेकिन बड़े बॉम्ब है। मैं आपको चाहता हूं कि आज इनके साथ हम कुछ डिस्कशन करें कि ये आविष्कार चमत्कार इन्होंने किया कैसे, क्या ये बात सच है कि ये गाड़ी हवा और पानी से चल जाएगी? थोड़ा हवा और पानी वाला कहना थोड़ा गलत है, क्योंकि हवा पानी का एल्यूमिनियम भी हमें चाहिए इस गाड़ी को चलाने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और हमने इसीलिए एल्यूमिनियम को यूज किया है क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है। हम जो है अपनी सारी एनर्जी की डिमांड के लिए, गाड़ियों के लिए, बसेस के लिए, ट्रक्स के लिए, अपने ही देश में मिलने वाला एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं। तो एल्यूमिनियम, हवा और पानी जी, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी कुछ नहीं चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो ये किया कैसे आपने, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये कैसे आपने इसको इनोवेट किया? ये यही इसी आपने छोटे से गैराज में, यहाँ ऊपर दो कमरे का ऑफिस, और बैंगलोर से दो मेधावी छात्र आईआईटी से आए, कैसी रही शुरुआत इस गाड़ी बनाने की? काफी इंटरेस्टिंग जर्नी था। स्टार्ट हमने इस तरह किया था कि जो अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियां आती हैं उनको हम इम्प्रूव करें, पर हमने सोचा कि उसको इम्प्रूव करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तब भी वो हमारे देश की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। तो हमने कहा कि ऐसी गाड़ी बनाते जो देश में मिलने वाली चीजों से चल सके, इसलिए हमने ये गाड़ी बनाई। और ये बन इसलिए पाई क्योंकि हमारी कंपनी पिछले 3 साल से ग्राफीन नाम के एक मटेरियल पे काम कर रही है। ग्राफीन क्या होता है? ग्राफीन, ग्राफीन एक तरह का कार्बन है, जैसे कि ग्रेफाइट, डायमंड एक कार्बन की एक वैरायटी है, उसी तरह ग्राफीन एक दूसरी वैरायटी है कार्बन की, जिसको हम मेजरली इसमें यूज करते हैं, और जिसकी वजह से एल्यूमिनियम जब पानी से मिलता है तो बिजली पैदा होती है। एल्यूमिनियम पानी से मिलकर बिजली पैदा करता है। कितने किलोमीटर चल सकती है गाड़ी? ये गाड़ी एक बार एल्यूमिनियम और पानी डालने पर 1000 किलोमीटर जा सकती है। 1000 किलोमीटर जा सकती है, उसके बाद क्या करना होगा? उसके बाद आपको नया एल्यूमिनियम डालना पड़ेगा। ओह, तो ये बड़ा टफ प्रोसेस होगा? नहीं, 10 मिनट का खेल है, जिसमें आप नया एल्यूमिनियम डालिए और फिर से चले जाइए। क्या कंज्यूमर सीख पाएगा एल्यूमिनियम नया डालना? कंज्यूमर को जरूरत नहीं है। जैसे आप आज पेट्रोल भरवाने के लिए स्टेशन पे जाते हैं, कल आप एल्यूमिनियम स्टेशन पे जाएंगे और एल्यूमिनियम भरवाएंगे। वो एल्यूमिनियम के स्टेशन भी बनाने पड़ेंगे इसके लिए? जी। तो ये इकोसिस्टम कैसे बिल्ड होगा? ये धीरे धीरे बिल्ड हो जाएगा। इनिशियली हम एल्यूमिनियम आपको अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसको आप इजीली कंज्यूमर भी रिप्लेस कर सकता है, और बाद में ये स्टेशन अपने आप आ जाए। स्पीड क्या रहती है गाड़ी, क्या कितनी तेज भागती है, धीरे चलती है? गाड़ी तेज भागती है, आपको हम अभी दिखाएंगे भगा के। ओके, टेस्ट राइड भी यहाँ। तो जिसमें कि आप इसे आराम से 80-100 किलोमीटर भगा सकते हैं, और जैसे जैसे हम बड़ी गाड़ियां बनाएंगे तो वो और 150-160 किलोमीटर भी जा पाएंगे। गाड़ी को पूरा बनाने का जो जर्नी रहा है, वो एक बीकर से स्टार्ट हुआ था। हम बहुत लकी रहे अपनी टीम के लिए, जिसकी वजह से ये हो पाया इतने कम ड्यूरेशन में, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी। कितने दिन लगे गाड़ी बनाने में? ये सब हमने 10 महीने में बनाया है, और ये तभी पॉसिबल हो पाया है कि जबकि हमारी सारी टीम रात रात भर जग के इसको बना रही थी। रात रात भर? कितनी उम्र कितनी दोनों की? मैं 25 साल का हूँ। मैं 24 साल का। वाह वाह, 25 और 24 साल के लड़कों ने कर दिया जी कमाल। If they can do, you can too। अगर ये भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो गाड़ी में एसी है क्या, चलता है? नहीं, अभी इस गाड़ी में एसी नहीं है। अच्छा, ये नॉन एसी गाड़ी है। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट्स हैव अ क्विक राइड। गाड़ी में स्पेस भी काफी रखी है आपने। पीछे बैटरी लगी हुई है, जिसमें कि एल्यूमिनियम, पानी और सब अंदर डाला हुआ है हमने, और इसके थ्रू गाड़ी चलती है। अभी आप देखेंगे कि 6 महीने के अंदर अंदर ये बैटरी पूरी डिक्की में चली जाएगी। तो इसको आप डिक्की में डाल देंगे और पीछे सीटिंग स्पेस बन जाएगा। बिल्कुल। एल्यूमिनियम बाद में चेंज करना है, और पानी और हवा तो अपने आप मिलता रहेगा। पानी आप जैसे आज पेट्रोल डालते हैं गाड़ी में, साइड से हम पानी डाल सकते हैं, वहां से पानी डालेंगे। और हवा? हवा तो नॉर्मल है, नॉर्मली मिल जाएगी, और बस खाली उसका आपको बाद में एल्यूमिनियम चेंज करना है 1000 किलोमीटर के बाद। 1000 किलोमीटर के बाद एवरेज क्या देगी गाड़ी? एक बार जब आप एल्यूमिनियम डालेंगे तो 1000 किलोमीटर चलेगी, जिसमें कि आपका करीब 3000 रुपए का एल्यूमिनियम लगेगा। ओके ओके। तो ये मतलब इसका पूरा इंजन है? इसमें सिर्फ यहाँ आगे पानी का टैंक है, और उसका कूलिंग सिस्टम है, जो कि बैटरी में पानी हम भेजते हैं जिससे कि बिजली बनती है। पानी का टैंक और कूलिंग सिस्टम जिससे आप भेजेंगे, बिजली बनेगी। ओके, लवली। अक्षय, कार्तिक, आपने इतना इनोवेशन किया, इसको रिपीट भी तो करना चाहिए हमारे बाकी स्टूडेंट्स को। कुछ शेयर करिए आपकी कॉलेज की, आईआईटी रुड़की की जर्नी। तो आप अगर हमारे दर्शकों को लेसन देना चाहेंगे तो क्या लेसन देंगे? इंजीनियरिंग में देखिए होते हैं 4 साल, और मैं अगर आपको बताऊं कि इनोवेशन कैसे कर सकते हैं, तो मैं इन 4 सालों को एक एक करके ब्रेक कर दूंगा, और एक एक साल में क्या करना चाहिए वो बताता हूँ, और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया। जैसे आप पहले साल में नए नए कॉलेज में जाते हैं, तो पहले साल इसलिए होना चाहिए कि आप देखें कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है,
कैंपस में आपके कॉलेज में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या आप कर सकते हैं, सब चीज़ों को एक बार थोड़ा समझें, थोड़ा गूगल करें, पढ़ें उसके बारे में, और ये सब में एक साल निकल जाएगा आपका। अगले साल आप उसमें से 2-3 चीज़ें जो आपके इंटरेस्ट की हैं उनमें एक्चुअली काम करना शुरू करें, उन्हें उठाएं, उसमें कुछ काम करें, आगे उसको बिल्ड करें। और फिर जब आप तीसरे साल में आ रहे हैं तो आप उसमें 2-3 चीजों में सबसे इंटरेस्ट के एरिया उसको आप पिक कर लें और उस पर पूरा अपना फोकस दें और उसमें अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें। प्रोफाइल बिल्ड करें क्या मतलब हुआ? मैं आपने केस में बताऊं तो फॉर एग्जांपल मैंने 2-3 चीजों में मटेरियल साइंस में रिसर्च की, तो मैंने गैस सेंसर्स बनाए, उस पर अपने रिसर्च आर्टिकल्स छापे, उसके बाद मैं कॉन्फ्रेंसेज में गया, रिसर्च कॉन्फ्रेंसेज में। तो कॉलेज से छुट्टी मिल जाती थी? हाँ, वो कॉलेज हमें सपोर्ट करता है उस चीज के लिए कि आप जा सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेज में अटेंड कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपने जैसे लोगों से मिल सकते हैं, उनको अपना आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सब आप करें थर्ड ईयर में। फोर्थ ईयर में आप उसको अप्लाई करें, तो किसी कुछ अप्लाइड चीज में आप काम करें, चाहे तो आप किसी कंपनी में जाके इंटर्नशिप करें, अपनी जो नॉलेज आपने इकट्ठा करी है उसका डिप्लॉयमेंट करें, उसका डिप्लॉयमेंट करें, हो सके तो खुद का ही प्रोडक्ट बना दें। मैं तो कहूंगा कि खुद का प्रोडक्ट बना दें, बिकॉज हमारे देश को इसी चीज की जरूरत है। पर ये चारों साल अगर वो आपकी तरह स्ट्रक्चर कर लेगा तो पबजी कब खेलेगा? तो क्या आपको क्या लगता है स्टूडेंट गलती करता क्या है? आई थिंक आपने बिल्कुल सही मेंशन किया है। एक तो डिस्ट्रैक्शन है, कई तरह के डिस्ट्रैक्शन है, जिसमें कि लड़की एक हो सकता है, गेम्स एक हो सकता है, या फिर और भी कई सारे गलत डिस्ट्रैक्शन अवेलेबल हैं आजकल की दुनिया में। और दूसरी गलतियां जो लोग करते हैं, जो लोग मतलब एक्चुअली कुछ करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, उसमें जो काम करते हुए भी गलती कर देते हैं, वो ये है कि 10 दिन कुछ किया, फिर 10 दिन कुछ और किया, फिर 10 दिन कुछ और किया। रोज अलग अलग जगह गड्ढा खोदते हैं, बिल्कुल पानी मिलता नहीं है। एक जगह डीप गड्ढा खोदने की जगह 100 जगह 1 फुट गड्ढा खोदोगे पानी मिलेगा नहीं, एक जगह 100 फुट गड्ढा खोदने से पानी मिलेगा। सो अक्षय और कार्तिक से मिलकर बहुत मजा आया, इनकी गाड़ी रेंजर में बैठ के घूम के आया मैं पूरा बेंगलुरु, बड़ा मजा आया इसमें। लेकिन अभी मैं चर्चा यहां समाप्त नहीं करूंगा, अब मैं जाऊंगा इनके ऑफिस में, और इनके ऑफिस में अभी तो हम गैराज में थे, अब इन्होंने बहुत सुंदर ऑफिस भी बना लिया है, 35 लोगों की टीम के साथ काम करते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट जगह जगह से उन्होंने हायर किए। आपको पूरी स्टोरी अभी समझ नहीं आई, अभी तो केवल आपने ये एंड प्रोडक्ट देखा है। ये एंड प्रोडक्ट बनने से पहले जो पीछे गया है ना, कई रातें गई हैं, उसके लिए हम बिजनेस और इनोवेशन के लेसन पे इन दोनों से चर्चा करेंगे, रूबरू होंगे, जिसमें कई प्रश्न उत्तर हम इनसे करेंगे कि आपके लिए इसमें सीखने के लिए क्या है। अगर आप भी वो सारे बिजनेस लेसन सीखना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के और इनोवेशन के, जिसपे इन्होंने काम किए हैं, कई ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं इन्होंने, कैसे वो फंड रेजिंग करी मार्केट से, कैसे इन्होंने इन्वेस्टर को विश्वास दिलाया, दोनों यंग लड़के कैसे इन्होंने IIT के इतने लड़कों को हायर कर लिया, उनको अपने साथ में अपनी हाई परफॉर्मेंस टीम को तैयार किया, रात रात उनसे काम कराया, और बच्चे क्यों क्यों आना चाहेंगे ऐसी छोटी सी कंपनी के अंदर, ऐसे गैराज में क्यों आके काम करना चाहेंगे, इन्होंने उनको कैसे कन्विंस किया। मार्केट के अंदर जब प्रोडक्ट तैयार करो तो बड़े बड़े जायंट बैठे हैं, वो उनको धमकाते हैं, नहीं चलेगा, कुछ नहीं है, हे तू करेगा, हम 30 साल से कर रहे हैं, तू तो कल का आया। इस तरह की कई तकलीफों का उन्होंने सामना किया, बावजूद उसके एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन को तैयार किया। वो सारे बिजनेस लेसंस देखने के लिए YouTube पे नहीं मिलेंगे, आपको बड़ा बिजनेस ऐप पे आना पड़ेगा। बड़ा बिजनेस ऐप को डाउनलोड करिए, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, कम ऑन डाउनलोड करिए, ज्वाइन करिए हमारे प्रोग्राम को एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, जहां पे आप दोनों से, कार्तिक और अक्षय से सीख सकेंगे वो बिजनेस के लेसंस। क्या आपको ये वीडियो पसंद आया YouTube का? मेरा एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरे देश में फैलाना चाहिए। वो अगर आपके परिवार में कोई स्टूडेंट है, अगर आपके परिवार में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, एंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड करना चाहता है, ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी मैं रिक्वेस्ट करूंगा व्हाट्सएप पे डाउनलोड करके पूरे देश में फैलाएं, ताकि ऐसी स्टोरी देख के लोगों को इंस्पिरेशन जागृत हो इनोवेशन के लिए। यू डोंट नीड टू बी अ स्टीव जॉब्स, इनोवेशन इज अप्रोचेबल, इट इज अवेलेबल, इट इज डूएबल, इट इज फीजेबल, इट इज एक्चुअली एक्चुअल, यू कैन ऑल्सो डू इट। लाइक करिए वीडियो को और हमारा उत्साह बढ़ाइए, इनको भी अच्छा लगेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपनी फरमाइश बताते रहने के लिए आप सबका दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कार्तिक आपका भी धन्यवाद।